हेलो शार्क्स। हेलो। मैं आपको एक कहावत अर्ज करना चाहता हूँ। प्लीज। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। क्योंकि अगर पढ़ लिख लिए तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे, अगर गेमिंग में ही रह गए तो निकम्बे। यही कुछ हाल मेरा भी था जब मैंने अपने इंडियन पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश करी कि मैं गेमर बनना चाहता हूँ। तो मेरी माँ ने तो दो कान के नीचे लगाए और मेरे पापा ने चाचा मामा और बुआ साथ एक कमेटी ही बना ली थी और यहाँ तक कि मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि अगर मैं कुछ लिमिटेड टाइम तक गेमिंग में अचीव नहीं कर पाता हूँ तो गेमिंग छोड़ दूँ। कॉन्ट्रैक्ट। तभी मैंने ये ठान लिया कि बनूंगा तो गेमर ही, और मैंने वहां से शुरुआत करी अपने ब्रांड की अपथ्रच ईस्पोर्ट्स। हाय शार्क्स, मैं हूँ कार्तिक सबरवाल झांसी से और मैं 21 साल का हूँ। वाओ। हाय शार्क्स, मेरा नाम है वैभव कुमार, मैं 20 साल से हूँ और मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। शार्क्स, इंडिया में आज करेंटली 42 करोड़ एक्टिव गेमर्स है और इसी कम्युनिटी को केटर करता है हमारा ब्रांड अपथ्रच ईस्पोर्ट्स। अपथ्रच ईस्पोर्ट्स एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां हम गेमिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उनका प्रोडक्शन भी करते हैं। यहां अलग अलग गेम्स के अलग अलग इवेंट्स होते हैं लेकिन सब वर्चुअल। जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन को अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी और विनर्स को ट्रॉफी दी जाती है, वैसे ही हमारे गेमिंग इवेंट्स में जीतने वाले गेमर्स को अलग अलग अमाउंट ऑफ प्राइज मनी और ट्रॉफीज दी जाती है। हम हमारे गेमिंग इवेंट्स यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट करते हैं जहां हमारे 3.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और इन्हीं इवेंट्स को हम लोको पर भी ब्रॉडकास्ट करते हैं जो कि एक इंडियन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। हम अपनी ब्रांड्स के अलावा वाइट लेवल बेसिस पर भी दूसरे ब्रांड्स के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। हम अपने इवेंट्स में ब्रांड इंटीग्रेशन करते हैं जहां हम ब्रांड को उनके टारगेटेड ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं और उनके एडवर्टीजमेंट करने में मदद करते हैं। अपथ्रच ईस्पोर्ट्स पिछले 2 सालों में 10 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। हमने 30 से भी ज्यादा गेमिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं जिनका पूल प्राइस तकरीबन 1 करोड़ तक रह चुका है। हमने 20 से भी ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया है और हमारी अपथ्रच की कम्युनिटी तकरीबन 8 लाख गेमर्स की है। शार्क्स, आज इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री 18,000 करोड़ रुपए की है। हमारा विजन है कि हम ना सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबल लेवल के टॉप ऑर्गेनाइजर्स बने। हम गेमर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं जहां वो अपना टैलेंट शोकेस कर पाए। हमारा मोटिव है टू एम्पावर ईस्पोर्ट्स इन इंडिया। हमारी आज के 3% इक्विटी पे 75 लाख रुपीज की, तो शार्क्स अब हर माँ बाप गर्व से कहेंगे मेरा बेटा गेमर है। बहुत मुश्किल है माँ बाप से कहलवाना इंडिया में। आपने कहा 42 करोड़ गेमर्स है। या। और मैं आपको अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इंडिया की पहली गेमिंग कंपनी मैंने शुरू की, का नाम है मौज मोबाइल। 42 करोड़ गेमर्स हैं जरूर लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर कैजुअल गेमर्स। करेक्ट। बेसिकली हम लोग जो मिड कोर है और हार्ड कोर है उनको केटर करते हैं। आज के टाइम पे जो हार्ड कोर गेमर्स है, प्रोफेशनल गेमर्स है, उनकी तादाद 2022 में 1 मिलियन प्लस है और जो मिड कोर है उधर 2 मिलियन प्लस है। राज, थैंक यू। कार्तिक जी, आपके जो पेरेंट्स थे, अब उन्हें ठीक लग रहा है कि आप कर रहे हो जो सही कर रहे हो, गेम खेल रहे हो? उन्होंने मेरे को टाइम दिया था कि 6 महीने में कुछ मेरे को 50,000 कमा के दे, तो 6 महीने बाद 5 लाख कमा के दे दिया। तो अभी कोई अपना वो दिखाओगे डेमो या कुछ? या तो शार्क्स, हम आपको इसके बेटर एक्सपीरियंस के लिए एक लाइव डेमो दिखाना चाहेंगे। जैसे स्पोर्ट्स की दुनिया में होस्ट और कमेंटेटर्स होते हैं, वैसे ही ई-स्पोर्ट्स की दुनिया में होते हैं कास्टर्स। तो हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे एक प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स कास्टर से जो आपको गेम के बारे में बताएंगे। तो कैन वी ब्रिंग? या श्योर। यहीं। हाय शार्क्स, मैं हूं स्पीरो और मैं हूं एक प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स कास्टर। अभी अनुपम जी एंड अमित जी को बुलाना चाहूंगा यहाँ पे। आज हम खेलने वाले हैं न्यू स्टेट मोबाइल। इसके रूल्स बहुत सिंपल रहेंगे, जहाँ पे जो भी शार्क पहले 2 पॉइंट हासिल करेंगे ही वुड विन। ओहो, अब गन का है? अब भाई, अब आप आगे जाओ। गोली कहाँ से मारते हैं? इससे। किससे? इससे। हाँ। So, जैसा कि आप जानते हैं, इट्स अ 1v1 कंपटीशन। नए हैं तो कंट्रोल देखने की कोशिश कर रहे हैं, दे वांट टू फिगर आउट कि क्या वो कर सकते हैं। एंड हियर यू गो, पहले ही यहां पे जीत चुके हैं। अनुपम जी ने पहला पॉइंट हासिल करा एंड या इट इज 1-0। वेल डन अनुपम। तो शार्क्स बेसिकली ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, ये जो बीच वाला पार्ट है वो गेम का इंटरफेस है, जो साइड में आप लोग ने एल बेंड एस बेंड लगाया है वो हम लोग का इंटरफेस है। हां, वो एड्स के लिए। यस।
ऑलराइट, सेकंड राउंड यहाँ पे अब शुरू होने वाला है एंड अमित जी वापसी करने की कोशिश जरूर करेंगे इस राउंड के अंदर, तो देखते हैं कार्तिक उनको कितनी बेहतरीन तरीके से गाइड करा सकते हैं। ये मारो 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 मारो। Yes, हम जीत गए। दो जीरो से अनुपम जी ये कॉम्पिटिशन जीत चुके हैं। बहुत बढ़िया। वंडरफुल कमेंट्री, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। रेवेन्यू मॉडल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी बट ये मुझे पता नहीं चल रहा है ये मॉडल। तो हम लोग का जो रेवेन्यू मॉडल है वो बेसिकली पांच मॉडल्स है। पांच? यस। बताइए। जब हम अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपने चैनल पे, उस पे ब्रांड्स वगैरह आती है या एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है? करेक्ट, नॉट जस्ट एडवर्टाइजमेंट। हमने अपने स्ट्रीमिंग राइट्स उस इवेंट के लिए लोगों को दिए, उसके बदले में वो हम लोग को कुछ अमाउंट। सो ओन इवेंट्स के लिए एज अ स्ट्रीमिंग राइट्स रेवेन्यू। करेक्ट। हम लोग अपना प्रोडक्शन आउटसेल करते हैं और वाइट लेबल इवेंट्स भी करते हैं। हम लोग ब्रांड और इन्फ्लुएंसर को आपस में कनेक्ट करा के मार्केट प्लेस है। या करेक्ट। ओके गॉट इट। देन और ब्रांड इंडिकेशन। कार्तिक वैभव आपकी इंडस्ट्री थोड़ा समझे, स्पोर्ट्स गेमिंग टोटल साइज क्या है? ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का साइज अभी तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास ग्लोबली। इंडिया में? इंडिया में जी अभी तक इतना है नहीं। चलो आपको नंबर्स ठीक से नहीं पता है लेकिन फिर भी आपकी इंडस्ट्री को थोड़ा ब्रेकअप कर पिक्चर का एनर्जी ले लेते हैं मूवीज का। मार्वल करके स्टूडियो है, उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर एक कोई लोग हैं जो पिक्चर बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स, राइट। देन देयर आर डिस्ट्रीब्यूटर्स। मोस्ट वैल्यू कैप्चर होता है जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और या कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्ट्रीमिंग हो गया आपकी इंडस्ट्री। आपकी इंडस्ट्री में जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब है और आपने किसका नाम लिया था? लोको। लोको। बाकी जो प्रोडक्शन है, छोटे प्रोडक्शंस करते हैं, वहाँ भी पैसा बनता है लेकिन इतना वैल्यू कैप्चर नहीं होता। तो आप एक प्रोड्यूसर, ये बात सही है? यू आर नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर। नो। इसमें यार बिजनेस बनाना तो मुमकिन है लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर से थोड़ा मुश्किल। आप बेसिकली एक ई गेमिंग ऑर्गेनाइजर हैं आज की तारीख में और वहाँ आप एक हद तक धंधा बना सकते हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, लेकिन उसके बाद आप कैसे डिस्प्रोपोर्शनेटली स्केल करेंगे ताकि मेरा रिटर्न बन सके एज एन इन्वेस्टर, वो आज की तारीख में क्लियर नहीं है, शायद आप समझा नहीं पाए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस। तो बेसिकली लास्ट ईयर जो हम लोग ने रेवेन्यू जनरेट किया वो अगस्त से मार्च तक का था जिसमें हमने 59 लाख रुपए जनरेट करे। इस साल हम लोग ने 6 मंथ्स में 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। Well done. पिछले महीने कितना किया? 33 लाख। चलिए मेरा डिसीजन फिर भी वही रहेगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक हद तक आप उसके बाद स्केल नहीं कर पाओगे। बस एक बात की मैं आपको दाद दूंगा, इंग्लिश में कहते हैं मेक योर पैशन योर वर्क एंड यू वोंट वर्क अ डे। तो आपने वो किया, आपके मम्मी डैडी आज प्राउड है, तो बहुत गर्व की बात है। बट आई एम आउट। गुड लक। मैंने भी अपना डिसीजन बना दिया है। यूजुअली एक बिजनेस एक्यूमेंट से हम आपकी मदद कर सकते हैं, मेंटोरशिप कैपिटल दे सकते हैं, लेकिन इस एरिया में सचमुच मेरा बिल्कुल एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं बिल्कुल आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। होता क्या स्पोर्ट्स में बहुत टॉप के प्लेयर पैसा बनाते हैं, जैसे फिजिकल स्पोर्ट में होता है, तो यहाँ पर भी इसमें भी ऐसा ही है। टॉप प्लेयर्स मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक स्पोर्ट्स में क्रिकेट में भी खेलते तो 16 लोग ही है बट पैशन तो सभी रखते ना कि मेरे को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट। वाह क्या जवाब, बहुत अच्छा। तो वैसे ही ई स्पोर्ट्स में भी है, वो देख देख के सीखेंगे और आगे आएंगे और शायद वो एक दिन उस लेवल पे पहुंच जाए कि वो भी महीने का 1-1.5 करोड़ पे कमा रहे। अगर ई गेमिंग ई स्पोर्ट्स अगर ओलंपिक्स में अलाउ हो रही है ना तो समझ रहे हो आप किस लेवल पे जा रहा है वो। देखिए वक्त तो बदलेगा और वक्त के साथ बदलना ही पड़ेगा, तो ये साफ दिख रहा है 30 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। चलिए कार्तिक और वैभव, ये जो इंडस्ट्री है मुझे भी नहीं एज अ प्रोडक्शन आपके लिए कितनी कंपेटिटिव होगी, कितना इजी है टू गेट इन द मार्केट, इसकी एग्जैक्ट मुझे सेंस नहीं है कि आपके पास कोई मोट है जिससे आप प्रिवेंट कर सके बाकी लोगों को आके आपके साथ कम्पीट करने में, तो मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक एंड वेल डन। मैं ना बहुत बिलीव करता हूँ ई स्पोर्ट्स में, मुझे लगता है ई स्पोर्ट्स इज द फ्यूचर, जो मैंने आपको लगी राय देख के। मुझे खाली डाउट है कि आप जो कर रहे हो ना वो बहुत छोटे लेवल पे एक ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन और उसकी स्पॉन्सरशिप का काम कर रहे हो। आपको पता है इसमें डेल की भी कॉम्पिटिशन आ रहा है, इंटेल भी घुस रहा है, तो आप इस कॉम्पिटिशन को लड़ने के लिए आपके अंदर ऐसा क्या है? ये सब आपने ब्रांड्स का नाम लिया, ये लोग एक प्रोडक्शन कंपनी ढूंढती है और वो हम लोग को ही हायर करते हैं, हम जैसी प्रोडक्शन कंपनी को जो उनके इवेंट करते हैं।
मैं बाहर होना चाहूंगा इससे, इसलिए नहीं कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मेरे को अगर धंधा दिखता तो मैं डाल देता पैसा, कि अगर ये होना ही है इंडस्ट्री में तो इनोवेटेबल है तो इनोवेटेबल है, बट आपको प्रोडक्शन का काम है, ये प्लेटफॉर्म का काम नहीं है। मैं अभी बाहर होना चाहूंगा इस वजह से। अमन आप बचें केवल। मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि मैं भी आउट हूं। एक सवाल पूछूं आपसे, आपकी प्रॉफिट कितनी हुई 3 करोड़ में से? लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट, ये 6 महीने 30-35%। क्यों आप पैसा रेस कर रहे हो? बनाओ ना अपना प्रोडक्शन कंपनी, 20 करोड़ का धंधा करो, 5 करोड़ रुपया कमाओ साल का, फिर देखो क्या करो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ए दुखी मत हो, हंसते हुए जा। आपने सबसे बड़ा काम क्या किया ना, टीवी पे, नेशनल टीवी पे पूरे देश को बता दिया कि दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन, दिस इज नॉट समथिंग टू मेक फन ऑफ और बी एम्बैरेस्ड अबाउट, इससे भी काम हो सकता है, करियर बन सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड जॉब।